बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी बात या हदीस बताऊंगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं है। इसलिए बेटे आप लोग भी बड़ों की इज़्ज़त किया करें और छोटों से प्यार किया करें। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैम आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, टेस्ट बाइज आ मिरेकल। बेटे टेस बच्ची का नेम है, बाइज खरीदती है, आ मिरेकल एक मौजज़ा। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती चलूँ। टेस एक छोटी बच्ची का नेम है जो 8 साल की है, और उसका भाई एंड्रयू है जो बहुत ज़्यादा बीमार है। उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसका इलाज करवा सकें, और टेस अपनी मनी कुछ उसने सेव की होती है जिससे अपने भाई का इलाज करवाती है। नाउ रीड द स्टोरी। One day, 8-year-old Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew. One day, एक दिन 8-year-old Tess overheard चुपके से सुन लेती है हर पेरेंट्स अपने वालदेन को टॉकिंग बातें करते हुए अबाउट हर लिटिल ब्रदर एंड्रयू। एक दिन क्या होता है, 8 साल टेस जो है वो चुपके से अपने पेरेंट्स को सुन लेती है बातें करते हुए जो उसके भाई एंड्रयू के बारे में कर रहे होते हैं। शी लर्नड, वो बखबर होती है, दैट एंड्रयू वॉज वेरी सिक। सिक मीन बीमार, कि एंड्रयू बहुत ज़्यादा बीमार हैं, एंड दैट हर पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स हैं, डिडंट हैव इनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट इलाज, और उसके वालदेन के पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो उसका इलाज करवा सकें। टेस हेयर्ड हर फादर से, टेस अपने अब्बाजान को कहते हुए सुनती हैं, ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, कि अब सिर्फ एक मौत से ही हो सकता है जो इसको बचा सकता है। टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, स्टार्टेड शुरू कर देती है थिंकिंग, सोचना, अबाउट बारे में, इट इसके बारे में, टेस इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। शी वेंट टू हर रूम, वह अपने कमरे में जाती है, एंड टुक अ जार आउट ऑफ हर कबर्ड, और कबर्ड मीन अलमारी, और वो अलमारी से जार उठा कर लाती है। देयर वर सम कॉइन्स इन इट, सम कुछ कॉइन सिक्के, इसके अंदर कुछ सिक्के हैं। शी काउंटेड द मनी, वो पैसे गिनती है केयरफुली एहतियात से। देन टेस पुट द मनी इन टू आ पर्स, फिर वो पैसों को अपने पर्स के अंदर रखती है, एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर, और एक ड्रग स्टोर मीन दवाइयों वाली दुकान। बेटे ये येलो बॉक्स में देखें, वहाँ पर भी इसका मीनिंग जो है वो अलग से दिया हुआ है। ड्रग स्टोर अ शॉप और स्टोर दैट सेल्स मेडिसिन एंड ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ गुड्स, यहाँ पर दवाइयाँ जो है वो सेल की जाती हैं। वो ड्रग स्टोर की तरफ चली जाती है, दवाइयों वाली दुकान की तरफ। द केमिस्ट सा हर बट डिडंट पे एनी अटेंशन, केमिस्ट जो दवाई बेचने वाला है वो उसकी तरफ देखता है लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ही वॉज डीप इन कन्वर्सेशन, डीप गहरी कन्वर्सेशन गुफ्तगू में, विद अ मैन, वो एक आदमी के साथ बहुत गहरी गुफ्तगू में मसरूफ था। वैन टेस्ट कंटिन्यूड, जब टेस्ट ने जारी रखा टू स्टैंड बिफोर द काउंटर, ही सेड टू हर साउंडिंग रेदर एनर्ड, साउंडिंग आवाज़ रैदर बेशक एनुड, वो नाराज़, उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। वाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हो? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। हु हैज़ जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड मीन आया, फ्रॉम शिकागो, जो अभी शिकागो से आया है। आई वॉन्ट टू बाई अ मिरेकल, मैं एक मिरेकल यानी मौजज़ा खरीदना चाहती हूँ। सैड टेस्ट, टेस्ट ने कहा, माई ब्रदर एंड्रयू इज़ रियली सिक, रियली हकीकत में सिक बीमार, मेरा भाई हकीकत में बहुत बीमार है। ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग, ग्रोइंग बढ़ रही है इनसाइड, अंदर हीज़ हैड, उसके सर के अंदर कुछ बुरी चीज़ जो है वो बढ़ रही है। एंड माई फादर सेज, और मेरे अब्बा जान कहते हैं, दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, सेव बचा सकता है, नाउ अब ही एक मौजज़ा ही हो सकता है जिसको बचा सकता है। कैन यू टेल मी हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, कॉस्ट कीमत, क्या मुझे इस मिरेकल यानी मौजज़े की कीमत बता सकते हैं? द केमिस्ट, दवा फरोश ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, बेटे वेल ड्रेस्ड, एक अच्छे कपड़े उसने पहने होते हैं, अच्छे ड्रेसिंग वाला वो आदमी है जो केमिस्ट का भाई है। वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटल गर्ल, वो अपने भाई और छोटी लड़की के दरमियान, बिटवीन दरमियान वो गुफ्तगू सुन रहा होता है। ही टर्न टू टेस्ट, टर्नड मुड़ा टू टेस्ट, वो टेस्ट की तरफ मुड़ा, एंड आस्क, और पूछा, वट काइंड ऑफ मिरेकल डज यूअर ब्रदर नीड, नीड ज़रूरत, आपके भाई को किस तरह के मिरेकल की ज़रूरत है? डोंट नो, नहीं जानती, रिप्लाइड, जवाब दिया टेस्ट, टेस्ट ने, हर आइज़ फुल ऑफ टीयर्स, आइज़ उसकी आँखें फुल भर गई टीयर्स, आंसुओं से।
और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ही इज़ रियली सिक, वो वाकया बहुत बीमार है। एंड मम्मी सेज़, और अम्मी जान कहती हैं, ही नीड्स एन ऑपरेशन, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। बट डैड कांट पे फॉर इट, लेकिन डैड इसे अदा नहीं कर सकते। सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ओन मनी, ओन अपनी, इसलिए मैं अपने पैसे जो है वो इस्तेमाल करना चाहती हूँ। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, आस्क द मैन, उस आदमी ने पूछा। $1.11, मेरे पास $1.11, सेट्स ने कहा। बेटा 11 सेंट्स होते हैं डॉलर का सौवां हिस्सा, यानी 100 के बराबर। वंडरफुल, हैरान कुल, सेट द मैन, उस आदमी ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा। $1.11, दैट द एग्जैक्ट, ठीक प्राइस कीमत है, ऑफ अ मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर, उसने कहा। $1.11 है अपने भाई के, आपके भाई के लिए उस मिरेकल की सही कीमत है। ही टूक टेस मनी इन वन हैंड, वो एक हाथ में उससे मनी लेके, पैसे लेके पकड़ लेता है। एंड हेल्ड हर हैंड विद द अदर, और दूसरा हाथ उसका पकड़ता है, सीइंग ये कहते हुए, टेक मी टू यूअर हाउस, मुझे अपने घर में लेकर जाओ। आई वॉन्ट टू सी यूअर ब्रदर, मैं आपके भाई को देखना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल ही नीड्स, उसे किस तरह के मिरेकल की जरूरत है। द केमिस्ट ब्रदर, केमिस्ट का जो भाई है, वॉज डॉक्टर कॉल्टन, वो डॉक्टर कॉल्टन है आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस, एक मशहूर नैरो सर्जन। बेटे नैरो सर्जन जो सर्जरी करते हैं किसकी, ब्रेन की, वो एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं जो नैरो सर्जन यानी ब्रेन की सर्जरी करते हैं। ही सून हैड एंड्रयू एडमिटेड, वो जल्दी उसको एडमिट यानी दाखिल कर लेते हैं हॉस्पिटल में, वियर ही ऑपरेट ऑन हिम, जहाँ पे उसका ऑपरेट होना था। विदन अ फ्यू वीक्स, चंद हफ्तों के अंदर एंड्रयू वॉज बैक एट होम, एंड्रयू दोबारा घर वापस आ जाता है एंड डूइंग वेल, और बहुत अच्छा हो जाता है। वन डे, एक दिन, टेस मदर, टेस की अम्मी जान, सेट टू हर हस्बैंड, अपने खामत से कहती हैं, आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, हाउ मच एंड्रयूज सर्जरी कॉस्ट, कि एंड्रयू की जो सर्जरी हुई है उसकी कीमत, मतलब मैं नहीं जानती उसकी कीमत क्या थी, और मैं हैरान हूँ, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस, और उन्होंने हमसे, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने हमसे पैसे लिए भी नहीं। हेयरिंग दिस टेस स्माइल्ड, टेस ये सुन रही थी, स्माइल्ड, वो मुस्कराई, टू हर सेल्फ, अपने अंदर, शी नो, वो जानती थी, एग्जैक्टली यकीनन, हाउ मच ए मिरेकल कॉस्ट, वो यकीनन एक मिरेकल की कीमत जानती थी, $1.11 प्लस द फेथ ऑफ अ लिटल चाइल्ड, और ये एक बच्ची का ईमान था। बेटे देखिए कैसे छोटी सी बच्ची ने अपने पैसों से अपने भाई का इलाज करवाया, और कैसे उसके भाई की जान बच गई, और उसके पेरेंट्स को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बेटे काइंडली आप भी अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ऐसे ही प्यार करें, ऐसे ही अपने पेरेंट्स का कहना माने, और अपने पेरेंट्स के हर दुख में शरीक हों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी, और आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।